Hello student, today I will explain about the expanded form of a number. कोई नंबर है जो जैसे मैंने यहां पर ये लिखा हुआ है 6245. इस नंबर को हम एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे. एक्सपेंड करके मतलब इसको अलग अलग लिखना है. 6 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, 4 की, 5 की, सबकी वैल्यू अलग अलग लिखना. देखो 6 किस पोजीशन पर है, 2 किस पर है, 4 किस पर है, 5 किस पर है. ये मैंने कैसे जो है किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है. ये देखो यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है. ये 6 जो है, पहले मैंने 6 लिखा है और 6 के बाद जो राइट साइड पे जो डिजिट है देखो 1 2 3 थ्री डिजिट है. तो इसका मतलब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. फिर प्लस यहां पर मैंने लिखा 2 और इस 2 के बाद जो है 2 डिजिट है और 2 डिजिट का मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर प्लस 4, ये देखो 4 का नंबर पड़ रहा और 4 के बाद 1 डिजिट है इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. नेक्स्ट लास्ट में जो डिजिट है वो है 5 और 5 के बाद यहां कोई भी नंबर नहीं है. इसका मतलब इसमें कोई भी जीरो नहीं आएगा, ये सिर्फ यहां पर आएगा 1. तो हमने इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया है. किया क्या हमने, इसको 6 को लिखा, उसके पीछे देखो ये 3 डिजिट है तो 3 जीरो. फिर प्लस 2 किया और इसके पीछे 2 के पीछे 2 डिजिट है तो 2 जीरो. उसके बाद प्लस 4 किया, 4 के पीछे 1 डिजिट है तो 1 जीरो. और उसके बाद प्लस 5 और 5 के पीछे कोई भी नंबर नहीं है राइट साइड में तो इसलिए उसमें कोई भी जीरो नहीं आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. सिंपली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जितने जीरो होते हैं पीछे लगा लेते हैं इसके. ये देखो 2 जीरो इसके पीछे लगा दिया, ये 1 जीरो इसके पीछे और ये देखो ये 5 आ गया. तो इसका मतलब ये हुआ है कि 6245 को हमने एक्सपेंड करके ये लिख दिया है. और इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये आंसर अलग है और ये आंसर अलग है, दोनों आंसर सेम है. इसकी और इसकी वैल्यू सेम है. अगर हम इसको अगेन प्लस करेंगे तो यही आएगा. तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब किसी नंबर को, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर का मतलब हुआ कि उस नंबर को हमने एक्सपेंड करके बड़ा करके दिखाना है. एक्सपेंड का मतलब वैसे फैलना होता है, बड़ा करना होता है, तो वही हमने उसको फैला के बड़ा करके दिखा दिया. तो दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर. सिमिलरली मैं एक ऐसा एग्जांपल और देता हूं. देखो जैसे ये एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं 6200, ये देख लो. और मैंने यहां पर इसको ये लिख दिया, ये एक मैंने और नंबर लिख दिया है. अब इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता हूं. फिर से देखो ये मैं 6 लिखूंगा और 6 के बाद देखो 1 डिजिट, 2 3 4 4 डिजिट है तो इसके पीछे 4 जीरो लगेंगे. मैं डायरेक्ट जीरो लगा रहा हूं, करने का मेथड ये है, लेकिन मैं इसके पीछे डायरेक्ट जीरो लगा लेता हूं जैसे ये लगाए मैंने. तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये जीरो लगा दिए. फिर प्लस 2, ये देखो ये प्लस 2 और 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो देखो 1 2 3. फिर मैं किसको लिखूंगा, प्लस 4, ये 4 लिख दिया मैंने और 4 के बाद डिजिट कितनी है, 2, तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो लग जाएंगी तो ये 2 जीरो. फिर उसके बाद प्लस 5, ये प्लस 5, 5 के बाद डिजिट कितनी है, ओनली 1 डिजिट तो 1 जीरो लगेगा. और फिर प्लस 3 और प्लस 3 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो कोई भी जीरो नहीं लगेगा. तो इस ढंग से हमने ये देख दिया कि हमने इस नंबर को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है. तो डियर स्टूडेंट, आपने करना क्या है बच्चों, कि जो मैंने ये जो है वीडियो आपको मैं दे रहा हूं, इसमें हमने इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस भी दिए हैं. आपको ये सब क्वेश्चंस भी करने हैं और डे टू डे हर रोज जो है इन क्वेश्चनों को करो. वीडियो को देखो पहले अच्छी तरह से, वीडियो को समझो और उसके बाद इससे संबंधित जो आपको क्वेश्चन दिए गए उनको जरूर सॉल्व करें.